खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वाश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।